वेलकम क्लास, हम सोशल स्टडी की आज क्लास टू है हमारी और हम चैप्टर की रीडिंग करते। फर्स्ट पेज हमने रीड कर लिया था, आज हम सेकंड पेज रीड करेंगे और यहाँ आप आज की डेट डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सिस। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये कि हमारे पास एक फर्ज की हुई लाइन है, फर्जी लाइन है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की जाती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से गुजर के। द अर्थ इज टिल्ड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, और जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री एक्सिस से टिल्ड है। अब यहाँ पे आप फिगर देखें, ये हमारे पास सन है, ठीक है, ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ हमारे पास 23.5 डिग्री, ये इसकी एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने एक्सिस कह दिया है, ठीक है। और अर्थ हमारे पास 23.5 डिग्री टिल्ट है अपनी लाइन से, मतलब वो टेढ़ी है ज़रा सी, तो ये हमारे पास एंगल बन गया 23.5 का, तो ये अर्थ का सेंटर एक्सिस की लाइन जी हो गई। अब एक स्पेशल ऑर्बिट में अर्थ मूव करती है, एक स्पेशल पाथ में अर्थ मूव करती है, दैट इज ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वेज अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इक्वेटर क्या है, हमारे पास एक फर्ज की हुई लाइन है जो हमने अपनी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स ने या डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी आसानी के लिए ड्रॉ कर ली है, कहाँ पे, मिडल ऑफ द अर्थ में। नेक्स्ट वन इज हेमिस्फीयर, अंडरलाइन दीज लाइंस। आपने इनको, आपको ये चीज़ें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या है, एक्सिस क्या है, ऑर्बिट क्या है। नेक्स्ट वन इज हेमिस्फीयर, हेमी मीन हाफ, ठीक है, मीन्स आधा। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर है वो क्या करेगा, अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करेगा, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम, फिगर में क्या कहता है, द अर्थ एक्सिस, ये हमारे पास अर्थ है, हमने क्या कहा था, अर्थ हमारे पास 23.5 डिग्री टिल्ट है, थोड़ी टेढ़ी है, तो उसकी जो एक्सिस है वो ये हो जाएगा। फिर हमने इक्वेटर ड्रॉ किया जो हमारे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारे पास इक्वेटर हो गया, ये क्या करेगा, हमारे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड करेगा, ये दो पोर्शन में अर्थ को डिवाइड करेगा। तो एक्सिस में हम क्या देखेंगे, हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, फिगर समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रोटेट। रोटेट का मतलब क्या है, गर्दिश करना या घूमना, तो रोटेट मीन्स द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स। अर्थ हमारे पास स्पिन भी करती है, लाइक अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती, जैसे हमारे पास टॉप की एग्जाम्पल है, लाइक लट्टू है, हम उसको घुमाते हैं तो क्या करता है कि वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा होता है, एंड रोटेट्स, और सर्कल में भी घूमता है। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, क्या डायरेक्शन है अर्थ की रोटेशन की, वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक तक, ऑन द एक्सिस, उसके एक्सिस पे। इट टेक्स 24 आवर्स, वो 24 घंटे लेती है, और एक दिन, और वन डे, एक दिन लेती है टू रोटेट वंस। वो अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए, रोटेट स्पिन करने के लिए क्या करती है, वो 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे लेती है, या एक दिन लेती है, तभी हमारे पास दिन और रात आते हैं, फिर अगले दिन दोबारा वो अपनी वापस उसी पोजीशन पे आती है, दिन आ जाता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम, उसी के साथ, उसी वक्त में, द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, ज़मीन क्या करती है, सूरज के इर्द गिर्द भी मूव करती है, क्या कर, अब दिन रात कैसे आते हैं, स्पिन करने से, स्पिन करने से क्या आएगा, आपकी डे एंड नाइट्स आते हैं, जबकि जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन वो 365 डेज में करती है, एक साल गुजरता है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन, उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व द सन, ठीक है, बात आ गई, द एक ज़मीन एक साल पूरा लेती है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में। फिर द मून इज द अर्थ नेचुरल ऑर्बिट। अब दो तरह के आपके पास ऑर्बिट होते हैं, एक नेचुरल होते हैं ऑर्बिट जो कुदरती तौर पे जो अल्लाह ने बनाए हुए होते हैं, और एक होते हैं आर्टिफिशियल जो इंसान भेजता है। फिर क्या हो गया हमारे पास, मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, जो मून है हमारी ज़मीन का एक कुदरती सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, चक्कर लगाता है। ईच कम्प्लीट रेवोल्यूशन टेक 28 डेज, और जो उसकी रेवोल्यूशन है वो 28 डेज में कम्प्लीट होती है, उसका एक चक्कर जो है वो 28 डेज में कम्प्लीट होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट, जो रोटेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की चक्कर है, वो दिन और रात बनाता है। द डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट तरह के मौसम एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन द अर्थ, और जो डिफरेंट क्लाइमेट की जो कंडीशन है, कहीं बारिश है, तूफान है, जिस तरह की कंडीशन आ रही हैं क्लाइमेट की, वो सारी बनाएगा।
एंड कास्ट बाय इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। और सिर्फ जो हमारे पास डिफरेंट सीजन्स आ रहे हैं, डिफरेंट जो क्लाइमेट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, वो हमारे पास अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अर्थ की जो चक्कर लगा रही है सूरज के इर्द गिर्द, उसकी वजह से होती है। और किस वजह से होती है? जो अर्थ हमारे पास 23.5 डिग्री हमारे पास टिल्ट है उसकी वजह से। प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर, वो प्लेसेस जो इक्वेटर के नज़दीक हैं और हॉट, वो गर्म होंगी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। अब इक्वेटर कहाँ था? ये बस इक्वेटर के पास जो भी जगह होगी, सॉरी ये इक्वेटर है, इसके पास जो भी जगह होगी वो पूरे साल में वो गर्म ही रहेंगे। इसके पास जो भी दुनिया में ज़मीन पे जो भी इलाके आ रहे होंगे, जो भी कंट्रीज़ होंगे, जो सिटीज़ जो भी यहाँ पे इक्वेटर से पास कर रहे होंगे, इक्वेटर के आसपास होंगे, वो पूरा साल गर्म रहेंगे। प्लेसेज दैट आर फर्दर अवे फ्राम द इक्वेटर, और जो प्लेसेज इक्वेटर से बहुत दूर होंगी, हैव डिफरेंट सीजन, उनके डिफरेंट सीजन। लाइक हम थोड़ा सा इससे दूर हैं, तो हमारे चार तरह के सीजन हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। सो यहाँ पे आज आपकी डेट मेंशन कर दें, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।